गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आगे भी बताऊंगा आपको। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो सुबह हो गई है, मैं फ्रेश हो गया हूँ एकदम। बस अब जिम जा रहा हूँ, जिम करके फटाफट आऊँगा, नहा धो के ऑफिस चलूँगा। आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा, अपने कोफोर्ज ऑफिस, जो नई कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी रिसेंटली। तो ग्रेटर नोएडा जाऊँगा मैं और आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ का कैंपस, वहाँ का माहौल जो भी है, कैसे वहाँ से वहाँ जाते हैं। मैं दिल्ली से जा रहा हूँ तो दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा कैसा रहेगा, क्या रूट है, सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। चलिए ब्लॉग में बने रहना, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। चलिए फटाफट जिम करके आते हैं, फिर आपको ले चलता हूँ ऑफिस की तरफ फटाफट, बिना लेट हुए। अनिल भाई है, ये ट्रेनर है जिम के। मेहनत करते भाई, अब देखते कैसे रिजल्ट आते भाई। लगे हुए हैं दोस्तों, आज वर्कआउट हो गई है, चल रहे हैं जल्दी और आपको आगे दिखाते हैं ब्लॉग में, बने रहना। हाँ जी दोस्तों, तो रेडी होकर गाड़ी पे बैठकर चलाकर जा रहे हैं, पालम क्रॉस कर लिए हैं, ऑफिस जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। आपको पूरा टूर देंगे ऑफिस का भी और कैसे जा रहे हैं रास्ते का, वो भी हिसाब किताब। पालम ओवरब्रिज होते हुए जाऊंगा, मोतीबाग होते हुए आपको दिखाऊंगा आगे। ब्लॉग अच्छा लगा तो सपोर्ट जरूर करना, चलो आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग को। रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी हो गई, बहुत ट्रैफिक लगता है भाई दिल्ली में, देख रहे हो बहुत ट्रैफिक है, क्या करें, अभी भी बहुत दूर है रास्ता मेरा। चलो चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। हाँ जी दोस्तों, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा वाली हाईवे पकड़ लिया हूँ, थोड़ा रास्ता बीच बीच मैप गलत बताता है, तो क्या करें, अब आगे जाकर टर्न करेंगे 2000 किलोमीटर पर, बस आने वाला है ऑफिस, आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा, फिर आपको दिखाते हैं आगे का ब्लॉग। बहुत अच्छी रोड है, जानते हैं आप नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे जो एक्सप्रेस वे है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर दिल्ली में थोड़ा सा जानते हैं रश रहता है, तो थोड़ा टाइम लगता है ट्रेवल करने में नोएडा से, दिल्ली दिल्ली से नोएडा। चलो आगे आपको दिखाता हूँ, ये रहा हाईवे, यहाँ पर आ चुका हूँ। थोड़ा गलती कर दिया मैंने, मुझे वहीं से कट ले लेना था परी चौक जहाँ लिखा था, बट अब यहाँ आके आगे जाकर कट लेकर निकल जाएंगे। पहली बार आ रहा हूँ तो थोड़ा समझ सकते हैं दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, मैंने कहा आपको भी अपडेट कर दिया जाए। ये हाईवे है अपनी आगरा वाली एक्सप्रेस वे, चलो फिर आगे चलते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे है ये। गाइस रास्ता मैं भूल गया था, मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पहली बार जा रहा था तो मैं एक्सप्रेस वे पर चढ़ गया और बगल में फिर एक कट था, वहाँ पर मैं कट लिया, 30 रुपये का टोल दिया, नीचे आया गलगोटिया कॉलेज के बगल से, अंडर पास था। अब ये साइड में देख लो जंगल जैसा रास्ता, पास में ही कोफोर्ज ऑफिस है आप लोग सोचो कि जंगल में है, बट आउटर एरिया में काफ़ी जगह मिलती है ना, तो इसलिए लोग खोलते हैं बड़ा ऑफिस। बस आने वाला है, 1-2 किलोमीटर है मेरा ऑफिस, मैंने कहा आपको दिखा दूँ ये नज़ारा। मौसम भी बहुत सुंदर हो रखा है आज, अच्छा खासा है। देखो नील गाय भी भाग रहा है। नील गाय देख रहे हो कैसे भाग रहा है, देख रहे हो गाइस, इसलिए आराम से चले, सुरक्षित चले, धीरे चले, कूद भी सकता है वो, गया वो रोड पकड़ लिया, मुझे भी इधर ही जाना है, गया जंगल में। चलो दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, तो ऑफिस आ गया हूँ, थोड़ा लेट आया हूँ, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है अपनी बेसमेंट में, और मैं कहा आपको भी बता दूँ तो इस तरीके से गाड़ी लगी है पार्किंग में। चलिए आगे चलते हैं, ऑफिस में एंट्री करते हैं, लेट हो गए काफ़ी। हाँ जी दोस्तों, तो ऑफिस आ गए हैं, क्योंकि लंच टाइम में पहुंचा हूँ मैं, अभिषेक है अपना टीममेट, बता दो थोड़ा अपने बारे में कुछ। सो मैं अभिषेक, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और ये भैया मेरे मित्र समान है, बड़े भैया हैं, तो हम पहली बार मिले हैं, ऐसे तो हम बहुत ही कॉल वगैरह पे बात किए हैं, लेकिन पहली बार फर्स्ट टाइम मिले हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आज मैं इनको अपना कैंपस घुमाऊंगा। सो रेडी टू, आई थिंक यू ऑल आर एक्साइटेड, सो मिलते हैं फिर। चलो दोस्तों खाना खा लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं आगे का हिसाब किताब ऑफिस में। चलो हाँ जी दोस्तों, तो लंच कर लिए हैं, मौसम तो एकदम आज क्लाउडी एकदम से हो रखा है, जैसे रेनी डे चल रहा हो अक्टूबर में, बताओ मिड ऑफ अक्टूबर में। ये अभिषेक भाई हैं हमारे बनारस के रहने वाले हैं, इनको भी सपोर्ट देना अगर इनका चैनल कभी खुलता है तो।
ये रहा दोस्तों ऑफिस का कैंपस, बिल्डिंग देख सकते हैं आप। थोड़ा और दूर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो देख रहे हो माहौल, ये कैंपस है। खाना हमने खा लिया है, लंच। पीछे बिल्डिंग है ऑफिस की, इधर है, पीछे है। चार टावर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 ABCD करके। और बहुत अच्छा हरी हरी घास, खुला मैदान। यहाँ क्रिकेट भी होगा, 10 दिन बाद क्रिकेट मैच होगा। तो हमारे प्रोजेक्ट की टीम खेलेंगे और दिखाएंगे आपको। तो बने रहना ब्लॉग में, सब्सक्राइब कर लेना। मोटा मोटा मैं मिला के बता रहा हूँ, और जाने में भी वही। तो शाम को निकलेंगे, दिखाएंगे आपको मौका मिला। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना थोड़ा, मतलब शेयर सब्सक्राइब। और कैंपस कैसा लगा ऑफिस का, ये भी बताना। कैंपस तो खैर बहुत बड़ा है, अभी कैप्चर करूँगा और भी ब्लॉग्स और भी क्लिप्स बनाऊँगा वीडियो के जरिए, और आप लोग देखना फिर बताना। बहुत बड़ा, जैसे कॉलेज होता है उस तरीके से। मान लो 500 बीघे में बना ये गाँव के साथ स्विमिंग पूल वगैरह। हाँ, अरे स्विमिंग पूल भी है, देखा? चलो फिर दिखाते हैं आपको, सारा टूर देंगे ऑफिस का। मॉल बढ़िया है, चलो फिर। हाँ जी दोस्तों, तो शाम हो गई है, थोड़ा निकले हैं चाय नाश्ता करने, थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए। चलो फिर आगे चल रहे हैं दूसरी कैफेटेरिया में। उसमें तो चाय नहीं थी, तो हर टावर में अलग अलग कैफेटेरिया होती है। और चलते हैं आगे, दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ जी दोस्तों, तो अब घर जाने का टाइम हो गया है, ब्रेकआउट एरिया में आए हुए हैं, बैठे हैं। तो जी दोस्तों, बेसमेंट में आ गए हैं, B2। 2 लेवल पार्किंग है, अंडरग्राउंड बेसमेंट 2। तो आते वक्त मैंने गलत रास्ता पकड़ा था थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। नेक्स्ट टाइम से अब ऐसा नहीं करूँगा, सीधा परिचौक होकर ही आऊँगा। तो आ गया फिलहाल अपनी गाड़ी की तरफ, दिखाता हूँ आपको। ये रहा अपना प्रोफेसर, अनलॉक कर दिया मैंने। चलते हैं अब आगे, स्टार्ट करते हैं, बैग वैग रख के निकलते हैं घर। नॉन स्टॉप ड्राइव करना है 1-2 घंटे। ट्रैफिक होता है 5 से 7 बजे के बीच में, तो मैंने अवॉइड किया। अभी 8 बजने को है लमसम, तो 10-10 तक मैं पहुंच जाऊंगा। रोड थोड़ी खाली हो गई होगी, तो मैंने ये टाइम जानबूझ के रखा है। अब चलता हूँ अब आगे। हाँ जी दोस्तों, तो आ गए हैं नोएडा सेक्टर 18, जहाँ पहले आया करते थे। पोंटी टंडा की बिल्डिंग है ये वाली, बहुत दिन से बन रही थी, बन गई। ज़बरदस्त टावर बनाया है यहाँ पे, हेलीपैड हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड करता है ऊपर, बनाया है उसने। तो किसी ज़माने में आते थे 5-7 साल पहले यहाँ पे, अच्छा लगता था। आए हैं, थोड़ा चाय पानी यहाँ करके फिर निकल जाएंगे आप सबको ड्रॉप करके यहीं से। फिर मैं DND पकड़ लूँगा हाईवे उधर, और दिल्ली की तरफ अंदर घुस जाऊँगा, और अब से यहाँ से घर चला जाएगा अपने। चलिए ब्लॉग को देखते रहना, आगे भी दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, फिर बताएंगे आपको। हाँ दोस्तों, तो बैठे हैं, चाय का वेट कर रहे हैं, मौसम भी ठंडा है। सेक्टर 18 में बैठे हैं, लोडेड ट्रक कोई एक जगह सामने, अपना GIP मॉल, ग्रेट इंडिया पैलेस, पीछे मेरा सिनेमा। यहाँ पर एक बार हम बगल में हम लोग बैठ कर खाना खाए थे, मैं थे, 2-3 फ्रेंड्स और थे हमारे पुराने फ्रेंड्स भाई। सब मेमोरी ताज़ा हो गई थोड़ी सी, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पुरानी यादें बातें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आते रहेंगे अब तो धीरे धीरे,
ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो दोस्तों शेयर सब्सक्राइब करना। ब्लॉग को यहीं सोच रहा हूँ ख़त्म करा जाए। अब ड्राइव करूँगा नॉन स्टॉप, अब क्या दिखाऊँ आपको पता ही है सब। तो नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं अच्छे वाले ब्लॉग में, स्पेशल ब्लॉग में। सपोर्ट करना, हर हर महादेव, टाटा बाय बाय, जय हो।